आज नव संकल्प शिविर की शुरुआत हुई और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो संदेश दिया है बहुत मार्मिक था वो, कि जिंदगी भर कांग्रेस को कांग्रेस नेताओं को बहुत कुछ मिला है कांग्रेस से, वक्त आ गया कि आप कांग्रेस के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे समर्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं और किस प्रकार कांग्रेस की नीतियाँ, कार्यक्रम और सिद्धांतों को जन जन तक वापस पहुँचाएँ, युवा पीढ़ी को विशेष ध्यान दें। इस संदेश के साथ में जो शुरुआत हुई है बहुत ही शानदार रही और जहन में बैठ गए लोगों के कि नई शुरुआत होने जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज विभिन्न ग्रुप बैठे हैं, जो आर्थिक मसलों पर भी, संगठन के ऊपर भी, युवाओं की समस्याओं के ऊपर भी, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर भी चर्चाएँ होगी और निचोड़ निकलेगा, वो आने वाले वक्त में हम सब के लिए संकल्प लेने का एक अवसर मिलेगा हम लोगों को, किस प्रकार से शिविर से जाने के बाद में हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में किस प्रकार से काम करें और किस प्रकार, चाहे वो अग्रिम संगठन हो, चाहे कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठ हो और चाहे कांग्रेस कमेटी हो, एक तरफ चुनाव चल रहे हैं, कई लोग नए उसमें प्रवेश करेंगे और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, हम सब मिल करके चुनौतियाँ बहुत बड़ी देश के सामने हैं, जो समझ रहा वो समझ रहा है, चाहे वो माहौल बन गया तनावपूर्ण, हिंसा का माहौल है, दंगे भड़काए जा रहे हैं, जुडिशरी दबाव में है और तो और मीडिया दबाव में है और इनकम टैक्स ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग सबके सामने है, तो क्या नहीं हो रहा देश के अंदर, सब लोग चिंतित है, सब चिंतित है और डर के मारे बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको जिस प्रकार से राजद्रोह के मुकदमे में फंसा करके जो बंद किया गया है कोई भूल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो परसों फैसला दिया है उसके कारण सरकार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा वापस, कि हम क्या क्या करें आने वाले वक्त के अंदर। तो मेरा मानना है कि ये चिंतन शिविर कांग्रेस जनों के लिए, आम कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए भी एक प्रकार से आत्मचिंतन का एक अवसर देगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि नए सिरे से आने वाले वक्त में, क्योंकि नेशनल पार्टी को देश में है तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी, जिसकी चौकी है गांव गांव में है, घर घर के अंदर है, दमखम में मुकाबला करने का एनडीए गवर्नमेंट का और बीजेपी का। और मैं आपको कह सकता हूँ मेरे अनुभव से भी कि आज भी जो माहौल है उसको समय रहते हुए अगर ठीक नहीं किया गया तो मैं समझता हूँ कि बुरे दिन आएंगे और देशवासियों को उचित नहीं होगा। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी चिंता नहीं करके ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की हरकतें भी हो रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहिए, विपक्षी पार्टियों ने मांग करी उनसे कि उनको देश को संबोधित करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए जो लोग हिंसा फैला रहे हैं, उस पर उनको क्या हिचक हो सकती है, मेरी समझ के परे है। ये मांग हम बार बार करते जाएंगे और एक बार प्रधानमंत्री जी को विपक्ष की मांग को स्वीकार करना पड़ेगा, वरना लोग उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे।